हाय भाइलो, मैं हूं तुम्हारा डेविल के भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल। फेडेड व्हील में अक्वा ब्लेस रात वेक्टर गन का न्यू स्किन अभी अवेलेबल है। डबल वेक्टर गन के लिए टू डिफरेंट कलर्स येलो एंड ब्लू इस स्किन के अंदर मिलेगा। कितना डायमंड में मिलेगा अभी हम देखूंगा। आज वीकली मेंबरशिप गिवअवे का लास्ट दिन है। वीकली मेंबरशिप विन करने के लिए पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आपका यूआईडी कमेंट करना है। लकी सब्सक्राइबर को कल मंडे में मैं रीडिंग कोड दूंगा। अभी हम सीधे फेडेड व्हील इवेंट कंप्लीट करूंगा। पहले फेडेड व्हील के अंदर से टू अनवांटेड आइटम्स हम रिमूव करूंगा। मेरे हिसाब से यह बैकपैक और एक एक का स्किन, ये दोनों मेरे पास है, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए। पहला फ्री स्पिन करूंगा। इसके अंदर से मेरे हिसाब से फूड, पेट फूड मिलेगा। फूड नहीं, पेट फूड मिलेगा। देखना, पेट फूड नहीं मिला। इसके अलावा बॉन्ड पेयर मिला, वो भी तीन दिन के लिए। नाइन डायमंड का नेक्स्ट स्पिन मैंने किया, इसके अंदर से मुझे पेट फूड मिला। नेक्स्ट 19 डायमंड का थर्ड स्पिन, ओके, एक गन क्रेट मिला। इस प्राइस पूल के अंदर से मुझे सिर्फ फैक्टर का स्किन चाहिए, बाकी सब आइटम्स मेरे पास है। नॉर्मली मुझे हर बार मेन आइटम, मेन रिवार्ड लास्ट 490 डायमंड तक स्पिन करने के बाद ही मिल रहा है। अभी तक 99 डायमंड का स्पिन चल रहा है। अभी इसके अंदर से मुझे सर्फ बोर्ड मिला, वो भी मेरे पास है। नेक्स्ट 199 डायमंड का स्पिन है। इसके अंदर से मुझे पैराफल का एक थीम गन स्किन मिला। लेजेंडरी नहीं है, सिर्फ थीम गन स्किन है। 499 डायमंड्स देकर अटलास हम हमारा लेजेंडरी वेक्टर का स्किन अनलॉक किया। यह गन स्किन देखने के लिए अच्छा है। सिंगल डैमेज, डबल रेंज एंड रीलोड स्पीड माइनस, यह एट्रीब्यूट भी इसके अंदर से मिलेगा। पहले हम जल्दी इक्विप करूंगा और लोबी में दिखाऊंगा। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। बर्मुडा लोबी में सिर्फ येलो वाला एक ही गन का स्किन आपको दिखाऊंगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में इस गन का टेस्ट करूंगा और अंत में कितना डायमंड मैंने स्पेंड किया वो भी मैं बताऊंगा। आपको इधर देख सकते हैं, अच्छा ड्रैग इसके अंदर मिल रहा है। पायर में 12-17 डैमेज और बॉडी में 17-23 तक मिल रहा है और हेड मैक्सिमम 92-93 तक मिल रहा है। मेरे हिसाब से यह इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब इसका रेंज बढ़ रहा है तभी इसका डैमेज बहुत कम मिलेगा। अगर आप शॉर्ट रेंज खेलता है तो इसके अंदर कोई बात नहीं, पर लॉन्ग रेंज या मीडियम रेंज खेलना है तो यह गन आपके लिए अच्छा नहीं है। अभी हम ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाकर फाइट लेंगा और इसका डैमेज मैं अभी दिखाऊंगा। कॉम्बैट जोन में आया, थोड़ा दूर में रहकर डैमेज दिखाऊंगा। एक हेड पड़ा, फिर भी वह जिंदा है। पास के आकर मुझे मारना पड़ा क्योंकि दूर में इसका डैमेज बहुत कम है। आप इधर देखना, एक बंदा आया, मैंने कितना डैमेज दिया फिर भी वो नहीं मरा। आपको बिल्कुल पास जाकर मारना पड़ेगा। लॉन्ग रेंज में आप देखो, बॉडी डैमेज 3-8 तक मुझे मिला और हेडशॉट 13 मिला। इस गन से आप कैसे एक बंदे को 1v1 में मार सकता है। लास्ट जोन या अनलिमिटेड ब्लू वॉल कस्टम के अंदर आपको यह गन यूज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर से मुझे यह गन स्किन उतना अच्छा नहीं लगा। फेडेड व्हील के अंदर से यह गन स्किन मुझे रिडीम करने के लिए 962 डायमंड्स मुझे खर्चा करना पड़ा। वीकली मेंबरशिप के लिए जरूर ट्राई करना। ऐसा फ्री फायर रिलेटेड इवेंट्स एंड न्यूज के बारे में पहले जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑल में सेट करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तभी तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।